हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए बरमूडा मैप का बेस्ट 7 हाइडिंग प्लेस लेकर के आया हूँ, जिसका यूज करके आप लोग सीएस रैंक को इनिशियली बूस्ट कर पाओगे। और जो भी भाई लोग अभी तक सीएस रैंक में हीरोइक या फिर मास्टर तक नहीं पहुंचे हैं, वो इस ट्रिक का यूज करके इजिली हीरोइक या मास्टर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि गाइस आज से कुछ दिन के बाद फ्री फायर में OP-41 अपडेट आने वाला है, तो गाइस सीजन चेंज हो जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा रैंक पुश करने में। डोंट वरी गाइस, मैं आप सबके लिए सीएस रैंक का बेस्ट हाइडिंग प्लेस लेकर के आता रहूंगा। एंड गाइस मैंने लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड कर चुकी है अपने चैनल पर हाइडिंग प्लेस के अबाउट, तो अगर आपने उनसे वीडियो को देखा नहीं है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद उन सब वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हाइडिंग प्लेस नंबर 1। तो यार अगर आपका कभी सेंटोसा मैप में इस वाले साइड से मैच स्टार्ट हो, तो गाइस जैसे मैच स्टार्ट होगा वैसे गाइस आपको इस वाले बाउंड्री के पास पहुंचना है। तो गाइस आपको इस डस्टबिन के ऊपर चढ़ना है, फिर आपको यहां से इस बाउंड्री के ऊपर चढ़ना है, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद आपको इस वाले घर के ऊपर आ जाना है। फिर गाइस आप लोग यहां से बहुत सारे इनिमी को इजीली मार सकते हो, और तो गाइस आप लोग यहां से अपने फ्रेंड को हेल्प भी कर सकते हो। हाइडिंग प्लेस नंबर 2। तो अगर आपका सीपीआर में यहां से मैच स्टार्ट हो, तो गाइस आपको यहां से थोड़ा आगे जाना है। फिर गाइस आपको आगे जाने के बाद इस वाले सीढ़ी के ऊपर गाइस आपको चढ़ना है, ध्यान रहे गाइस आपको इसका आधा चढ़ना है, फिर आपको यहाँ से जंप कर देना है, तो गाइस आप लोग इजीली यहाँ पे आ जाओगे। फिर आपको थोड़ा आगे जाना है, तो गाइस आप लोग यहाँ पहुंचने के बाद गाइस जो बंदे कॉर्नर में छुप कर रहते हैं गाइस आप उन सबको अकेले यहाँ से मार सकते हो। एंड गाइस जो नेमी छत के ऊपर चढ़ते हैं गाइस आप उन सबको भी इजीली मार सकते हो। एंड अगर आपके पीछे से भी नेमी आएगा साइड से, तो गाइस आप उन सबको भी मार सकते हो। एंड अगर गलती से गाइस जोन आ जाएगा, तो गाइस सामने जो टावर दिख रहा है गाइस आपको वहां पे कवर लेना है। हाइडिंग प्लेस नंबर 3। तो अगर आपका इस वाले प्लेस से स्टार्ट हो, हालांकि मुझे इस प्लेस का नाम पता नहीं, अगर आपको पता तो गाइस कमेंट में जरूर बताना। तो आपको टायर से जंप करते हुए इस वाले प्लेस के पास आना है, फिर गाइस आपको यहाँ पे गुलवाल को इस तरह से लगा देना है, तो आपको इस टायर से जंप करके गुलवाल के ऊपर चढ़ जाना है, तो गाइस आप लोग इजीली यहाँ पे हाइड हो सकते हो। मतलब गाइस आपको यहाँ से इनेमी नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप यहाँ पे चढ़े होंगे, तो गाइस आप लोग यहाँ से इजीली हाइड का एडवांटेज लेके इनेमी को इजीली यहाँ से मार सकते हो, एंड अपने फ्रेंड को गाइस आप लोग कवर भी दे सकते हो। हाइडिंग प्लेस नंबर 4। तो अगर आपका डैम में इस वाले साइड से मैच स्टार्ट हो, तो गाइस आपको इस वाले बाउंड्री के ऊपर चढ़ना है, फिर आपको यहाँ चढ़ने के बाद आपको इसके कॉर्नर के ऊपर जंप करना है, तो गाइस आप लोग यहाँ से इजीली हाइड हो सकते हो। गाइस यहाँ से आपको कोई भी इनेमी देख नहीं पाएगा, ना आगे से ना पीछे से। तो गाइस आपको यहाँ पे बैठे रहना है, और तब तक ही बैठे रहना जब तक कोई इनेमी आपके पास ना आ जाए, और जैसे आपके पास इनेमी आएगा वैसे गाइस आपको यहाँ से निकल के इनेमी को मार देना है। तो गाइस ये बहुत अच्छा हाइडिंग प्लेस है, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। हाइडिंग प्लेस नंबर 5। तो अगर आपका फैक्ट्री में यहाँ से मैच स्टार्ट हो, तो गाइस आपको जो सामने वाला पत्थर दिख रहा है गाइस आपको उसके ऊपर चढ़ना है, और पत्थर के ऊपर जंप करने के बाद गाइस आपको सामने जंप करना है, तो गाइस आप लोग इजीली यहाँ पे आ जाओगे। फिर गाइस आपको थोड़ा यहाँ पे अपने जॉयस्टिक को मूव करना है, तो आप लोग इसके पीछे आ जाओगे। फिर गाइस यहाँ से जो सामने से इनेमी आएगा, तो गाइस आप लोग यहाँ से इजीली उसको मार सकते हो, एंड अगर आपके पीछे से कोई इनेमी आएगा तो आप लोग यहाँ से उसको इजीली मार सकते हो। एंड गाइस आप लोग यहाँ से अपने फ्रेंड का हेल्प भी कर सकते हो। एंड एक बात और गाइस, जोन इधर ही शिफ्ट होता है, तो गाइस आपको इधर ही छुप के रहना है, और जैसे आपको कोई नहीं मिलेगा गाइस आपको उसके ऊपर हल्ला बोल देना है। हाइडिंग प्लेस नंबर 6। तो अगर आपको पोचिनोक में यहाँ से मैच स्टार्ट होगा, तो गाइस आपको इस सामने वाले घर के अंदर जाना है, फिर गाइस आपको थोड़ा आगे जाने के बाद आपको इसके दरवाजा के पास आके गुलवाल को इस तरह से लगा देना है, फिर गाइस आपको इसे खिड़की के पास जाना है, फिर गाइस आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ब्राउन कलर का लकड़ी का बोर्ड, तो गाइस आपको यहाँ पे स्कोप को ओपन करना है, तो गाइस आपको यहाँ से फायर करना है, तो गाइस आपका गोली यहाँ से इजीली आर पार हो जाएगा, फिर गाइस जो नेम भी रहेगा वहाँ पे तो उसको गाइस लग जाएगा, तो गाइस आपको यहाँ से इनेमी देख नहीं पाएगा। तो गाइस आप लोग इस प्लेस पे आके गाइस आप लोग यहाँ का एडवांटेज ले सकते हो, और गाइस इनेमी को इजीली यहाँ से मार सकते हो, गाइस यहाँ से आपको इनेमी देख ही नहीं पाएगा। हाइडन प्लेस नंबर 7। तो अगर आपका रिमनाम विलेज में यहाँ से मैच स्टार्ट हो, तो यहाँ से आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर गाइस थोड़ा आगे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देगा लकड़ी का बॉक्स बहुत सारा, तो गाइस आपको उस बॉक्स के ऊपर यहाँ से चढ़ना है, तो आप लोग ध्यान से इस वाले बॉक्स के ऊपर चढ़ना है, और गाइस बॉक्स के ऊपर चढ़े गाइस आपको यहाँ पे लेट जाना है, तो गाइस आपको यहाँ से इनेमी नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर चढ़े होंगे, और फिर गाइस आप लोग यहाँ से इजीली इनेमी को बहुत सारे इनेमी को अकेले ही मार सकते हो, और गाइस आप लोग यहाँ से अपने फ्रेंड को कवर भी दे सकते हो। तो गाइस ये हमारा टॉप 7 हाइडिंग प्लेस जो बरमूडा मैप का है। तो गाइस अगर आप लोग ये सब हाइडिंग प्लेस का यूज करोगे, तो गाइस आप लोग डेफिनेटली आप लोग हीरो या फिर मास्टर तक पहुंच सकते हो, गाइस क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग को जल्दी पहुंचना है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो गाइस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और अगर नीचे प्यारा से कमेंट भी कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ ऐसे किसी बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।